Whoops. Yeah. ये कंटेंट क्रिएटर सब ऐसे होते हैं, ये इंसान नॉर्मल नहीं होते हैं। कभी कभी और तो थे भी गाड़ी दे देने चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? इट्स योर बॉय हनी बॉय। किसी ने तो आना था, कोई सिंचन क्या? कहाँ जाना है? दाई देवी जाना है फिर दोबारा। मतलब वो तो ऐसा हो गया, वो यहाँ के लोग प्लान बना धारी देवी जाने का। मैंने सोचा था आज फिर दोबारा से इसी ब्रिज पे शूट करेंगे फिर से, पर नहीं 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 नहीं, ओए इसने को देखने के लिए कैसे उठना पड़ता है ना इधर इधर, जो वो लंबा है ना, वो ज़्यादा लंबा है, वो ज़्यादा चोटी है। बात ये भी है, तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। क्या कॉमेडी होती है यार इनके साथ भी। क्या चल रहे हैं? ये गुप्ता भैया के समोसे ले रहे हैं, पाँच रुपए के समोसे इस जमाने में कौन देता है भलाई। हाँ टेस्टी भी है, पर अब मतलब थोड़े से कम हो गए, अब बजट भी तो बिठाना है यार, अपना भी मार्जिन निकालना होता है। हाँ पहले थोड़े बड़े थे, अब छोटे छोटे हो गए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो क्या करें, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बस साइज़। हाँ क्वांटिटी हो जाएगी पर क्वालिटी नहीं होगी कम। कितना लंबा रास्ता घूम के जाना पड़ रहा है, 16 किलोमीटर का रास्ता 25 किलोमीटर का हो गया हमारा। और ये कौन नूब है भाई, स्कूटी वाला दिख रहा है कार यहाँ तक आ गई फिर भी आ रहा है आगे। वेज में लूफी, लूफी घर में रहता है, मस्ती करता है, रात में उसे नींद आती नहीं है और फिर मेरी नींद उड़ा देगा वो सारी रातों की। चाहता तो ये था कि कोई लड़की उड़ाए रातों की नींद, पर क्या करे, अपना कुत्ता उड़ा रहा है रातों की नींद, तो कुछ कर नहीं सकते है। देवलगढ़ वो तो अलग रास्ता है ना ऊपर। ठीक है डन। एक समोसा पकड़ा इधर। ऐसा करो, ए समोसा ला, चल चाय भी लगा, चल चाय लगा। रुकना नहीं है, यहाँ से पकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ से खाऊंगा मैं। ओए 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 भाई, समोसा महंगा पड़ जाएगा, मत करना ऐसे। समोसे के चक्कर में हो गया था अभी काम, 500 का समोसा 500 का बन जाता भाई। अगर गुप्ता भैया देख रहे हो तो भैया ये बहुत गलत बात है, आपके चक्कर में अभी एक्सीडेंट होने वाला था, बताओ थोड़ा तो लिहाज करो यार भैया। नहीं नहीं नहीं, कहाँ यार, मेरी किस्मत में समोसा नहीं लिखा हुआ अभी। वही तो मैं बोल रहा था भैया को, इतने अच्छे समोसे। फिर समोसा भाई, समोसा महंगा ना पड़े, कितना समोसा खा रहे यार ये लोग। वी आर ट्रेन प्रोफेशनल टू ईट समोसास, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट रोड। बस देख ही सकता हूँ गाइस, खा नहीं सकता हूँ अभी। अब रास्ता यही चुन रखा है ब्लॉगिंग का, तो क्या कर सकते हैं। हाँ देखो, तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अब मेन रोड में। यहाँ से देखो एक रास्ता धारी देवी भी जाता है और एक जो हम बोल रहे थे देवलगढ़ जाने के लिए वो भी जाता है। मैंने सोचा था आज भी शूट होगा कि ब्रिज में जाना पड़ेगा, ब्रिज में शूट होगा ये सब, पर नहीं नहीं नहीं, आज इन्होंने बोला ब्रिज बहुत हो गया, ब्रिज हमने पूरा कैप्चर कर दिया है, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। हम चलाएंगे अब बाइक। अच्छा हेलमेट दे दो। तो चलो ये बैग अब मैं अपने पीछे रख सकता हूँ फिर दोबारा से। अब मैं खाऊंगा समोसा। भाई तो ब्लॉगिंग कोई और करने वाला है, तो थोड़ा सा झेल लेना। ओह माय गॉड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये मेरा चैनल हो चुका है अब। समोसे खा रहे गाइस, हैशटैग वी वांट गुप्ता के समोसे। लोगों को शर्म नहीं आ रही, पीछे ठूस रहे हैं। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं, मैंने पूरा खा गया। गाइस मेरी सोचो ना, तुम ये देख रहे हो तुम, अबे हाँ। ये चिकन गारी कुर्ता और इन्होंने पहने पूरा जैकेट। A few moments later. मेरा फोन तुम पे है? तुम्हारा फोन मेरे पे कहाँ से आ गया? झूठ मत बोलो। क्या समझे मेरे पे कहाँ से आ गया मोबाइल? आर यू फकिंग सीरियस? ओह
बढ़ाओ भाई, वो में बढ़ाओ था भाई। अच्छा हो गिरा नहीं मोबाइल तो, सॉरी यार। सो गाइस मेरा फोन जो था वो यहाँ पे था भाई, व्हाट द फक। अगर वो गिरता तो मैं वापस जाना पड़ता। सो गाइस ये देख सकते हो आप, वहाँ पे भी गाड़ी है, ऐसे नहीं कि चल जाएं। अब हम जाएंगे देवलगढ़ और वहाँ से हम देखेंगे कहाँ जाना है फिर। अब तुम ही करो, चलाओ भाई। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई तब तक कैसे सीखोगे। हनी बॉय से उसकी पूरी 10 लाख की कम्युनिटी, 11 लाख की कम्युनिटी चुरानी है तो ऐसा तो करना पड़ेगा। फोटो ब्लॉगर बनने के लिए ना भाई, नीट की प्रिपरेशन से ज्यादा हार्ड होता है वैसे। उसमें कुछ भी हो, जान का खतरा तो नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल उसमें है, पर इसमें बहुत है भाई, बहुत है भाई। भाई ये इतना साइड क्यों है भाई, इतना डर। उसमें शायद ज्यादा ही वीडियोस देख रही है लड़कियों की बाइक चलाते हुए। नॉट अ सेक्सी जोक, विमेन बोल रहा हूं मुझे इनडायरेक्टली। कुछ कह रही थी क्या? गाइस आई एम रेडी अगेन। ठीक है, सीधे रोड़ी भाई, सीधे रोड़ी हो है। गाइस बच गई हन्नी बॉय, तो मार दे भाई अपने वर्ड्स से ऐसे बोल के, सामने वाला गाड़ी ना चला पाए। फिर उत्तराखंड आओगे तो देवलगढ़ जरूर आना गाइस, देवलगढ़ बहुत अच्छी जगह है। ओए गाइस जल्दी से फॉलो कर लो हनी बॉय को। Women. नहीं ऐसे रुको, पकड़ो टांग बताओ। अबे भाई क्लच, रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। भैया देखो ऐसे कर रहा है यार भाई। कोई नहीं भाई, बोलो होता है। अरे मुझे लगा न्यूट्रल पे नहीं है, मुझे लगा एक पे है। गलतियों से इंसान सीखता है। मैं अच्छा लगता है जब कोई गलती करता है। चलो कुछ तो कर रहे हैं जिंदगी में भाई, कुछ तो बैठ के कमेंट तो नहीं कर रहे हैं गंदे गंदे। ज्यादा सही बोल दिया तुमने, ये मेरे जो जो भी वो होंगे ना सो कॉल्ड हेटर्स हैं, उनके लिए ये जवाब है बैंकर। गलती करो पर बैठ के कमेंट मत करो, बैठ के कमेंट करो पर गंदे कमेंट नहीं। हाँ भाई, अंकल ने जो ऐसे करा है ना मेरा, भैया ने जो ऐसे करा वो दिल में चुभा सी थे भैया ने, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको आसमान में पहुंचा दिया। उन्हें कहे तू कर सकती है बेटा, तेरे माँ बाप को नहीं होगा बट मुझे तेरे पे भरोसा है। गाँव की खुशबू अलग होती है। गोबर की है वो। कहाँ जाना है? मैंने एक तो मैंने सैंडल पहनी है ना, देख रहो किक मारते वक्त दिक्कत होती है। अच्छा ये हाई हील्स, आकृति गंडारी के सामने कोई बोल सकता है क्या? तो गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम है कि घूमने जा रहे हैं बस। अंकल पहली साइड हो गए, कौन सी तुम आगे देखो। रोड का देखो, रोड देखने का काम मेरा है, तुम आगे। ओके सॉरी गाइस, हमने रोड ही छोड़ दी, उसके बाद सब दिक्कत हो गया। और मंदिर तक थोड़ा गढ़वाली ब्लॉगिंग बचाए, चलो पूरी गढ़वाली जो भी बात होता है। मेरा भूली मैं भुला हम यहाँ खाया छत देवलगढ़ में और बड़ी अच्छी लगड़ी में थे बुलेट चलाने में। तीन लुटार छा, एक मेरे पिछले बैठी हूँ पिछले बैठी आ रहा छा, और बड़ी मजा आ रही थी मैं किले की। मैं आधा घंटा बटी बुलेट चलाने में लगी छो और कखी गिल्ला अब पकड़ा दौर। कोई नहीं, कभी कभी और तो थे भी गाड़ी दे देने चाड़ नहीं। और जो बोलना अब मंदिर में बोला और अंकल पहली साइड। क्या गड़वाली बोलते हो गाइस, में ये नीचे तब
की बुन, नीचे सबटाइटल्स रख देना प्लीज। तुम सब भारतवासी होते हैं, हम सबटाइटल्स रख ला, कोई बात नहीं चैन, ठीक छ यू छ क्या डबल स्टैंड नहीं मैं रह रहा था उठ। तो गाइस ये च स्नेहा और ये च आशजाट और हम यहाँ खाया था। किसका मंदिर है ये? ये है देवलगढ़ का। नहीं नहीं देवलगढ़ में कौन सा भगवान का मंदिर है ये बता। सो गाइस अभी मैंने मैंने क्यों उधर घुमाना, किस चीज का मंदिर है ये? पहले चलते होगा। तू हरियाणी में बोल थोड़ी, इस पे बोल, इस पे के बोल रहा है, के बोल रहा था यो। गौरा देवी का मंदिर है ये गाइस। एक तो मेरे को है ना हेलमेट नहीं आ रहा है, मुझे हरियाणवी में नहीं आ रही। क्या हो गया? आती है तो किले नहीं बोलनी तब बड़ी। भाई जिसको सिर्फ हिंदी हिंदी आती है उसको क्या बोलते हैं? तब किले नहीं बोलनी तो तब बड़ी है, तब भी इंडिया नहीं आ। क्यों नहीं बोल रहा है? तू घनचू सही बोला है, सही बोला साले। अरे परफेक्ट भाई, क्या मतलब तू खाएगी क्या? हां तो सही जी पड़ी। अब बोल के दिखाना है क्या बोल रहा था यो, हल्के में ले लिया है। ये देखो ये है देवलगढ़ का मंदिर, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे आए थे फोटोज वगैरह क्लिक और मंदिर के अंदर से हो गया है। ये काफी अच्छा लग रहा था मंदिर, और अब चलेंगे वापस। अब यार देखो हम यहाँ से जाएंगे, आए तो हम नीचे से थे पर हम जाएंगे इस वाले रास्ते जाएंगे, और वहाँ से एक कैफ़े भी है पड़ता, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है बहुत छोटा है, इतना लंबा नहीं है, लगभग 20-25 किलोमीटर का ही होगा। और ये देखो अभी हम कहाँ पे है, मतलब हम सोच रहे थे कि धूप में बैठेंगे पर नहीं, धूप से अच्छा तो हमें एक और जगह मिल गई है जहाँ पर आग लग रखी है, इन्होंने बॉनफायर ऑलरेडी लगा रखी है। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो जी टाइम हो गया अभी हमें घर जाने का, और हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और मेरे कान सुन हो चुके हैं और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठंडा लग रहा है यार पर बहुत। वुप्स वुप्स ओए 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 ओए, आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो बच गया बच गया बच गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ कोई नहीं, चल चल उसका हेलमेट बना बैठ जा, ऑल गुड ऑल गुड। तुम्हारा कैमरा होता है उसमें खुलता है भाई, हाथ हो गया था यार ब्रेक इन लगा उसमें। अरे कोई नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छे यार, इन्होंने पहले खोल दिया था ऊपर में भाई, यहीं पे जस्ट जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कैमरा खोल दिया, सबसे लास्ट में होती है ये चीजें गाइस। हाँ तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, किसी को हार्म नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सब सही थे, और अब हम श्रीनगर पहुंच गए। ऑल गुड, लगी लुगी तो नहीं गई? चलो सही है यार कोई नहीं कोई नहीं, ना बाइक में लगी ना कुछ हुआ, ठीक है। yeah. कंटेंट मिल गया बस बोला। अबे ऐसा कुछ नहीं है कंटेंट का यार। मैं अभी वही बता रहा था, ये कंटेंट क्रिएटर की दिक्कत है पता क्या, हर चीज को कंटेंट के हिसाब से लेते, तुम गिर गए तब भी हंस रहे हो कंटेंट मिल गया ये क्या बकचोदी है भाई। ये कंटेंट क्रिएटर सब ऐसे होते हैं, ये इंसान नॉर्मल नहीं होते है। मैं भी वही तो बोल रहा था कि ये कंटेंट क्रिएटर जात इंसान में नहीं आती है, ये कहीं दुनिया से बाहर की है, मतलब कितने नीच हो सकता है ना कोई कि गिरने के बाद भी हंस रहा है कि उसके बाद कंटेंट भी नहीं है, कंटेंट ये क्या बात है भाई, तुम गिर गए हो थोड़ा शोक मनाओ सालो, हंसो मत। वही तो उसके बाद बेशर्म हो जैसे हेलमेट उतार के पीछे बैठ गई। सुनो थैंक यू। चलो ठीक है यहीं से जाओ तुम, ओके मैं यहीं से घर निकल जाऊंगा। तीन बार काटने ही तो वहां पे जाकर वो है ही नहीं, एक वो जब मां से आई थी इसका कैमरा लेके ऐसे खड़ी हो रही थी वहां पे। हां वो भी वो गलत है, चलो ठीक है मैं जा रहा। ओके मिलते हैं, बाय बाय। क्यूट हो तो ठीक है बॉयज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो
इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इसकी जो और अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह होती है वो इंस्टाग्राम में सबसे पहले अपलोड हो जाती है। और ये जितने भी मेरे साथ के हैं इन सब की आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके हिसाब से अच्छे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगी, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी बस आप लोगों को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड पीस आउट।